हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सो फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है वो बनाते रहता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गाजर का छिलके के बारे में है। आप सभी को गाजर के कितने सारे यूजेस होते हैं वो तो आप सभी को पता है। गाजर की कितनी सारी वैरायटी ऑफ डिशेस होते हैं वो भी आप सभी को पता है। बट आपको पता है कि क्या हम गाजर के छिलके को भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं बताना तो मैं आज आपको इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताने जाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, गाजर की कोई भी डिश हो या गाजर सलाद में भी ऐसे ही खाना हो, हर कोई जो है गाजर के छिलके को उतार कर ही खाना प्रेफर करता है, क्योंकि गाजर जो होता है, गाजर का जो फल होता है वो ज़मीन के अंदर होता है और उसमें बहुत सारी मिट्टी रहती है। इस वजह से हम जो है गाजर के छिलके को ऐसे ही डिस्कार्ड कर लेते हैं, फेंक देते हैं। बट आप सभी को पता नहीं होगा फ्रेंड कि गाजर के जो छिलके हैं उसमें बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें पता नहीं होता है, इसीलिए हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि उसमें होता क्या क्या है। फ्रेंड्स, गाजर के छिलकों में विटामिन B6, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन जो होता है वो हमारे स्किन की जो टैनिंग हुई हुई त्वचा जो होती है उसको टैनिंग को रिमूव करने का काम करता है नेचुरली। अगर आप उसका सही से यूज़ करते हो तो आपकी जो स्किन की जो टैनिंग होती है वो रिमूव हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि गाजर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है कैंसर डिजीज़ के लिए भी। गाजर में ऐसे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे ऐसे विटामिन होते हैं जो कि हमारे जो कैंसर डिजीज़ होती है कैंसर से लड़ने में हमें मदद करते हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये बात पता होगी बट कुछ लोगों को नहीं पता होगी। बट इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, पहले तो ये जान लेते हैं कि हम गाजर के छिलके को यूज़ कैसे करेंगे। पहले तो आपको ये करना है कि आपको सही से छिलका उतारना कैसे है ये पहले जान लेते हैं। फ्रेंड्स, गाजर में जो है वो गाजर जो है ज़मीन के अंदर पला हुआ फल होता है, इसके वजह से उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई होती है। तो मिट्टी को जो है हमें बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करना होता है। तो अभी हम इसे कैसे रिमूव करें? हालाँकि अगर आप उसको क्लीन कर लोगे तो आपके जो के जो आँखें हैं उस छोटी छोटी मिट्टी के कणों को नहीं देख पाएंगी। बट जो अगर आप माइक्रोस्कोप में जा देखोगे तो मिट्टी के छोटे छोटे कण भी लगे होते हैं, अगर आपके हालांकि आपके अच्छी तरीके से धोने के बाद भी। तो हम इसे पहले तो अच्छी तरीके से धोना सीख लेते हैं। आपको कैसा करना है फ्रेंड्स, एक पतीला लेना है, एक फिटकरी लेना है। फिटकरी जो होती है वो वाटर को ये करने का, वाटर को प्यूरीफाई करने का काम करती है। आप मम्मी से पूछोगे या फिर किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो आपको वो फिटकरी जो है वो मिल जाएगी। तो वो फिटकरी को लेना है, उस वाटर में घुमा लेना है, उसके बाद उसको उस वाटर में गाजर को डाल देना है 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए। उसके बाद आपको गाजर के छिलके को अच्छी तरीके से धो लेना है। फिटकरी अपना काम कर लेगी, कुछ बैक्टीरियल ये भी हो गया स्पेक्स वहाँ पे, तो उसको भी वो क्लीन कर लेगी और उसी के साथ ही जो आप गाजर में जो मिट्टी लगी हुई होती है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आप अच्छी तरीके से उसे क्लीन करिए, पूरी मिट्टी जो है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से उसको पील आउट कर लेना है गाजर को। गाजर को पील आउट करने के बाद आप चाहे तो उसका मतलब जो भी डिशेज है आप या फिर सैलड में भी खा सकते हो, बहुत सारी जो वैरायटीज होती है, या फिर गाजर को आप कच्चा भी खा सकते हो। गाजर जो है एक मीठा फल होता है, आप ऐसे भी खा सकते हो। गाजर के बहुत सारे फायदे होते हैं फ्रेंड्स, आपको रेगुलर अपने डाइट में गाजर को शामिल करना ही चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं कि गाजर जो पील आउट किया हुआ जो पील है उसे क्या करना है हमें, उस छिलकों को एक जगह में लाकर उसको आप चाहे तो, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूजेस मैं बता देता हूँ। पहले आप गाजर के छिलकों को एज अ फेस पैक भी लगा सकते हो। जैसे कि आपको मैंने बताया कि गाजर जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इसके वजह से गाजर के जो छिलके में जो होता है असली प्रोटीन वहीं से ज़्यादा हम वेस्ट कर लेते हैं। तो हम
उसको एज अ फेस पैक भी लगा सकते हैं। फेस पैक लगाने से आपकी जो फेस की जो स्किन है उसको भी ग्लोइंग रखेगा, साथ ही आपकी जो मतलब क्लॉक जो पोर्स है उसको भी ओपन कर देगा, प्लस आपकी जो इम्प्यूरिटी है आपके फेस पर लगी हुई उसको भी रिमूव कर देगा। प्लस बीटा कैरोटीन होने की वजह से वो जो आपकी टैनिंग हुई हुई है जो भी फेस पर वो भी रिमूव कर देगा। उसी के साथ अगर आप चाहें तो उसे फेस स्क्रब में भी कन्वर्ट कर सकते हो। गाजर के छिलके को हमें पेस्ट करा लेना है, उसके बाद उसमें जो है चावल के आटे को मिला दीजिए, कोर्सली आप उसको ग्राइंड कर दीजिए चावल को, और उसके बाद आप एज अ स्क्रब भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ा यूज़ हो जाएगा। आप गाजर के छिलकों का टोनर भी बना सकते हो। टोनर हमें कैसे बनाना है, गाजर के छिलके को गर्म पानी में उसको उबाल लीजिए, उबालने के बाद उसे छान लीजिए, छानने के बाद एक स्प्रे बॉटल में रख दीजिए, स्प्रे बॉटल में रखकर यूज़ कीजिए, जिससे कि वो आपके टोनर का भी काम करेगा। साथ ही अगर आप चाहें तो उसे जूस में भी ले सकते हो। अगर आपने गाजर को अच्छी तरीके से धोया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आपने उसको धोया हुआ है तो आप उसे एज अ मतलब जूस में भी ले सकते हो, मतलब आपको पील करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आप डायरेक्टली आप उसका जूस बना लीजिए और जूस ही पी लीजिए। सो आपको जो है गाजर के और भी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। आप चाहे तो आपके जैसे कि मैंने आपको फेस स्क्रब के बारे में बताया, आप उसको बॉडी स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बॉडी स्क्रब करने से आपकी जो बॉडी की जो टैनिंग है वो भी अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगी। आप चाहे तो डिफ्यूजिंग वाटर का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूजिंग वाटर कैसे बनाना होता है फ्रेंड, आप जो पील आउट किए हुए जो पील जो है ना छिलके, उनको क्या कीजिए, एक बोतल में सोक करने के लिए रख दीजिए। सोक करने के बाद उसको मिनिमम 2-3 hours उसको सोक कीजिए, उसके बाद उसको छान लीजिए। उस छानने के बाद जो गाजर के छिलके में जो भी विटामिन्स वगैरह होंगे, मिनरल्स होंगे, वो पानी में आ जाएंगे। पानी में आ जाने के बाद आप उसको डायरेक्टली आप चाहे तो फिर उसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, या फिर आप उसको ऐसे ही पी सकते हैं। उससे जो है आपके जो वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि गाजर के छिलकों को हमने ग्राइंड कर लिया, उसके बाद एज अ बॉडी पैक भी आप उसे लगा सकते हो। जैसे कि हम बाहर जाते हैं, बाहर जाकर हमारे हाथों पे पैरों पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। गाजर में बीटा कैरोटीन होने की वजह से जो गाजर जो है वो हमारी स्किन से जो टैनिंग है वो बहुत जल्दी ही रिमूव कर देता है। तो आप उसे एज अ बॉडी पैक भी यूज कर सकते हो। उसको बस आपको ग्राइंड कर लेना है, उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे एज इट इज़ अपने हाथों पर पैरों पर फेस पर लगा दीजिए, जिससे कि आपकी जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप उसका उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पेस्ट आपने बना लिया है, जो आपने बॉडी के लिए पेस्ट बनाया हुआ है या फेस के लिए पेस्ट बनाया हुआ है, एज इट इज़ उसमें दही मिलाकर अपने बालों पर लगा दीजिए। ये एंटी फंगल का भी काम करेगा, साथ ही जो गाजर और दही के जो मिनरल्स विटामिन्स हैं वो आपके रूट्स तक पहुंच जाएंगे, तो आपके बाल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो गाजर के छिलकों के बारे में। अगर आप तक इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर गाजर को ऐसे ही फेंक देते हो, डिस्कार्ड कर देते हो, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो को फॉलो कीजिए और जैसे कि मैंने आपको यूजेस बताए, उस यूजेस का आप फ़ायदा उठाइए, और आपके जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपके एक्सपीरियंस कैसे थे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।